इन त्योहारों में मीठी मठरी बनाएं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत कम सामान में बनके तैयार हो जाती है, बिल्कुल कुरकुरी और खस्ता। हलवाई से अच्छा मीठी मठरी आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सिर्फ 3 सामान में मठरी बनके तैयार हो जाती है। इसे 2 से 3 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ले ले रही हूँ मैं मैदा। मैदा को मैं छान ली हूँ। 1.5 कप मैदा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं, इसी हिसाब से सामान डबल कर लेंगे तो बढ़िया बनेगी। और मैं 1/4 कप घी डालूँगी, पहले थोड़ा डाल रही हूँ, मिलाकर मैं इसे भी डाल लूँगी। लगभग 250 ग्राम मैदा में 60 ग्राम घी आप डालेंगे तो बढ़िया मोइन लगेगा, इतने से खस्ता बन जाएगी। मैं घी जो बचाई थी उसे भी डाल दी हूँ। अच्छे तरीके से इसे मैं मिला लूँगी। ये जो घी डाले हूँ ना, कोने कोने तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद मुट्ठी बांधेंगे तो ये जुड़ेगा, ऐसे बढ़िया से ऐसे मसल लेंगे तब जुड़ेगा। बस इतना ध्यान दें, अगर आप 250 ग्राम मैदा लेंगे तो 60 ग्राम घी मोयन के लिए डालना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालें। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगाकर तैयार करूँगी। सॉफ्ट डो लगाऊंगी, टाइट डो नहीं लगाना है, नहीं तो बेलने में दिक्कत होगी। मैं इसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, मसल कर अच्छे तरीके से चिकना हो जाएगा ना, तो 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, ये और सॉफ्ट हो जाएगा। अब लगभग 15-20 मिनट बाद मैं इसे खोल ली हूँ, थोड़ा सा और मसल ले रही हूँ 1-2 मिनट। जब आटा रेस्ट कर लेता है तो बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है। अब मैं इसकी लोई बना लूँगी। मठरी बहुत बड़ी नहीं बनाते हैं, मीडियम साइज में बनाते हैं, पूड़ी से थोड़ा छोटी बनाएंगे। छोटी छोटी लोई बना ले रही हूँ, अभी मैं दिखा रही हूँ। इसे थोड़ा सा मोटा भी बेलना है, बिल्कुल चपटा नहीं करना है बेल के। ये मठरी बहुत कम सामान में बनकर तैयार होती है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे आप किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं, या तो जब कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने की इच्छा हो तो घर में बना कर रख लेंगे, 2-3 महीने तक ये ख़राब नहीं होती है। बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे। लोई में बना लें और एक लोई उठा ले रही हूँ, बाकी के ढक के रख दे रही हूँ, नहीं तो सूख जाएगी। चकले में अगर ये आटा चिपके तो थोड़ा सा तेल या घी लगा लें। ये मैदा है, मैदा ज़्यादा चिपकता नहीं है। अब मैं इसे बेल ले रही हूँ, हल्का सा मोटा बेलूँगी तभी मठरी खाने में अच्छी लगेगी। ये देखें इतना मोटा, एकदम चपटा कर देंगे बेल के तो बिल्कुल पापड़ी की तरह हो जाएगी। हल्का सा थिकनेस रहना चाहिए। तो सेम तरीके से मैं पहले बेल ले रही हूँ, अब इसे हम फोक से प्रिक कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये फूले ना मठरी। अगर फूलेगी तो ये सॉफ्ट रहेगी इस तरीके से। आप चाकू से भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैं गैस पे तेल चढ़ाया हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये गरम है, और इसे डाल दूँगी। धीमी आंच पर सेकूँगी, जब ये थोड़ा सा पक जाएगी तैर के ऊपर आ जाएगी। जैसे समोसा देर तक सेकते हैं उसी तरीके से इसे देर तक तलना है। थोड़ा थोड़ा सा फूल के ऊपर आ रही मठरी, अभी अच्छे तरीके से सिकी नहीं है, अभी देखें सफ़ेद ही है। इसमें गोल्डन कलर आना चाहिए तब तक सेकेंगे। लगभग एक बार मठरी आप डालेंगे तो 9 से 10 मिनट लगेगा सेकने में। फ्लेम बढ़ाए ना, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी और खाने में अच्छा नहीं लगेगा, कुरकुरी और खस्ती नहीं बनेगी मठरी। आगे मैं दिखा रहा हूँ इसमें कलर कैसे आना चाहिए। ये देखें एकदम ब्राउन कलर आ चुका है। इसे मैं निकाल लूँगी, अभी मैं तोड़ के दिखाऊँगी, बिल्कुल कुरकुरी है। अगर यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो अपने फैमिली और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं निवेदन कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर देना। तो एक बार और तल के दिखा रही हूँ मैं आपको। एक बार जितना कढ़ाई में आए उतना ही डालें, गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो आपकी मठरी बहुत अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये तैर के ऊपर आ जाएगी तो हम इसे पलट देंगे, दोनों तरफ पलट कर सेक लेंगे अच्छा कलर आते तक। अब इसे भी निकाल ले रही हूँ मैं, इसके लिए अब चाशनी बनाऊँगी। ये मठरी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, सामान तो कम लगता है लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप बना कर देखें तब आपको यकीन होगा कि कितना कुरकुरी कितना खस्ता बनती है। अब मैं चाशनी बनाऊँगी, पहले मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको तब चाशनी बनाऊँगी। देखें कितना कुरकुरी है, इसकी आवाज़ सुनेंगे आप ना
तब पता चलेगा कितना कुरकुरी है। इसे आप नमक डाल के बनाएंगे, ये देखें, तब नमकीन मठरी हो जाएगी। आज मैं चीनी डाल के बनाऊंगी तो मीठी मठरी है, ये त्यौहार है ना, तो इसलिए मैं मीठी मठरी बना रही हूँ। गैस पे मैं कढ़ाई रखी हूँ, अब इसके लिए चाशनी तैयार करूँगी। अब 1.5 कप मैं चीनी ले रही हूँ चाशनी के लिए। इसी कप से मैं मैदा ली थी, 1.5 कप मैदा ली हूँ और 1.5 कप मैं चीनी भी ले ली हूँ, और चीनी के आधा पानी। हमेशा चाशनी बनाएं तो चीनी का आधा पानी डालें, तब चाशनी परफेक्ट बनती है। अब इसे गलने देंगे, उसके बाद मैं चेक करके दिखा रही हूँ। छोटी इलायची डाल दे रही हूँ अच्छे टेस्ट के लिए, अगर आपको इलायची का स्वाद ना पसंद हो तो ना डालें। चाशनी ऐसे होना चाहिए, आप देखें, एक तार की, ये ऐसे चाशनी आप बनाएंगे तो मठरी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं मठरी डाल दे रही हूँ और गैस थोड़ा तेज़ कर दे रही हूँ, एक उबाल आने देती हूँ। एक उबाल आ जाए 2 मिनट तक इसमें पकाएंगे चाशनी में, ये देखें गाढ़ा सा हो जाता है, थोड़ा झाग आ जाता है ऊपर। 2 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद करके मैं नीचे उतार ले रही हूँ। एकदम बढ़िया मठरी बनेगी, इसके अंदर चाशनी चली जाएगी, ये सॉफ्ट नहीं होगी मठरी, बिल्कुल कुरकुरी होगी। अब मैं नीचे उतार ली हूँ, नीचे उतारने के बाद भी आप देख पा रहे होंगे चाशनी बिल्कुल पतली है। मठरी को साइड में कर देंगे और एक चम्मच लेके इसके ऊपर मैं चाशनी डालते जाऊंगी। 5 मिनट के अंदर ये चाशनी बिल्कुल जम के अभी सफ़ेद लगेगी, चीनी दिखने लगेगी। ऐसे ऊपर चाशनी डालते जाएं ताकि एक एक मठरी में चाशनी पहुंच जाए, इस तरीके से। अब धीरे धीरे जमने शुरू हुई है, बहुत अच्छी मठरी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। एक बार अगर आप बना कर खाएँगे तो घर में बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि ऐसे ही मठरी बनाओ। अब आप देख पा रहे होंगे ना चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, ये देखें सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ना, बस 2-3 मिनट और लगेगा और जम जाएगी, बिल्कुल मठरी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिखेगी। मीठी मठरी के ऊपर जो चीनी होती है हल्का सा सफ़ेद दिखती ही है। इसी तरीके से हमारे गाँव में खाजा बनाते हैं, उसमें भी ऐसे दिखती है। मठरी और खाजा सेम तरीके से ही बनता है, वो परत वाला रहता है जो खाजा होता है, मठरी को तो ऐसे बेल लेते हैं, लेकिन स्वाद और सामान ऐसे ही लगता है, ये कि जो मठरी में लगता है वही खाजा में लगता है। अब बढ़िया से जम चुका है, आप देख पा रहे होंगे अभी और कुरकुरी हो जा रही है, ये देखें। जब हम अलग अलग रखेंगे ना तो कड़क कड़क आवाज़ आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं और 2-3 महीने तक ये ख़राब नहीं होती है। हमारी मठरी तैयार हो गई है, अब मैं एक बर्तन में इसे लगा ले रही हूँ। एक बार इस तरीके से आप मठरी बनाएं, आपकी मठरी कैसे बनी अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। ये देखें मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, चीनी में डालने के बाद भी कितनी कड़क आवाज़ है।